एक इंपॉर्टेंट लेसन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से आइसोमॉर्फिज्म पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने जा रहा हूं। वास्तव में होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म पर बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं आइसोमॉर्फिज्म तभी होगा जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। हर लाइन को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। और यह क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 2019 में आया है। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं लीनियर अलजेब्रा में एक इंपॉर्टेंट लेसन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से आइसोमॉर्फिज्म पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने जा रहा हूं। यह जो प्रॉब्लम है यहां देखिए, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर यूनिवर्सिटी है, रविशंकर यूनिवर्सिटी है, ये 92 यहां 96 में ये पूछा गया है। इसी तरह से इंडिया के करीब करीब सभी यूनिवर्सिटीज में ऑनर्स एग्जाम में इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और इसी ढंग का प्रश्न जो है आपको यूपीएससी बीपीएससी वगैरह सभी पीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस है, और मैं फिर इसके आगे जो प्रॉब्लम बताऊंगा वो यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 में पूछा गया है वो प्रश्न, उसका सोल्यूशन मैं अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा। तो वो जो प्रश्न पूछा गया है ठीक इसी के जैसा हल होगा, तो इसको मैं बता दे रहा हूं। ये प्रश्न को हम इस उद्देश्य से बता रहे हैं कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं यूपीएससी वगैरह, ये सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीएससी ऑनर्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है लेट टी फ्रॉम वी टू आर टू वी टू आर बी डिफाइंड एज टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या टू टपल्स ए वन बी वन इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी वन ए वन सो दैट टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। यहां दो वेक्टर स्पेस आपके पास है, टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी टू वी टू वी टू से वी टू पर एक मैपिंग टी इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन। जहां पर समझना चाहिए कि यह जो ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन है यह डोमेन वी टू का मेंबर है, और इस मेंबर का जो टी इमेज है वो कोडोमेन वी टू में जाएगा, और इसमें इस ऑर्डर्ड पेयर को इमेज दर्शाता है। हमको दिखाना है कि सो दैट टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म, हियर टी इज ए मैपिंग which is defined as this, you have to show that this mapping T is an isomorphism. तो हम लोग देखें step by step मैं बताऊंगा। देखिए here mapping T from V to R to V to R is such that ST such that इस प्रकार की T image of ordered pair, यहां देखिए definition A1 B1 is equal to ordered pair, उलट के लिखिएगा दिमाग में रखिएगा B1 A1, T के इस definition को माइंड में रखना है, उसी के सहारे आपको आगे बढ़ना होगा। और यह डिफाइंड है फॉर एवरी
ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन बिलोंग्स टू डोमेन भी टू या भी टू आर लिखिए। वास्तव में होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म पर बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें एक मैपिंग डिफाइन होता है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर, और यहां आपको इस मैपिंग टी को आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो आपने आइसोमॉर्फिज्म का यदि डिफिनेशन पढ़ा होगा बुक में, तो आइसोमॉर्फिज्म कहता है कि कोई भी मैपिंग टी एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर डिफाइंड हो तो वह मैपिंग टी आइसोमॉर्फिज्म तभी होगा जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहला कंडीशन आप ध्यान देंगे, मैपिंग टी को वन वन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है मैपिंग टी को ऑन टू भी होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है कि मैपिंग टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। यदि टी वन वन है, ऑन टू है और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तब उस मैपिंग टी को हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको यहां तीन चीज दिखाना है। आप समझ गए, पहला क्या बताया, टी इज वन वन, सेकेंड टी इज ऑन टू, और थर्ड कंडीशन टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज होमोमॉर्फिज्म। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यह प्रॉब्लम कैसे हल होगा, आइसोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है। तो अब आप देखें और समझें। देखिए मैं यहां हेडलाइन दे रहा हूं, नंबर वन, इसमें हम दिखाएंगे टी इज वन वन, अब सेट थ्योरी में क्लास 11 में और क्लास 12 में पढ़े हैं फंक्शन चैप्टर जिसे मैपिंग भी कहते हैं आप। तो जिस स्टूडेंट को सेट थ्योरी के फंक्शन मैपिंग का क्लियर कंसेप्ट है वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर को समझ सकता है उसके थ्योरी को और उसके प्रॉब्लम को। तो मैं यहां इशारा कर रहा हूं कि हमने क्लास 11, 12 के सेट थ्योरी को बहुत अच्छे ढंग से मैं डिस्कस किया हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उसे देख सकते हैं। तो सेट थ्योरी का कंसेप्ट आपका गहरा होगा। अब यहां देखिए, पहला हम दिखाने जा रहे हैं टी इज वन वन, तो किसी मैपिंग टी को वन वन दिखाने के लिए मैथमेटिकल प्रोसेस है जो मैं डील कर रहा हूं वो ये है कि मैपिंग टी का जो डोमेन है भी टू, यहां टी के डोमेन भी टू में कोई दो एलिमेंट यानी दो वेक्टर की कल्पना करेंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा, और हम दिखाएंगे कि यदि अल्फा और बीटा का टी इमेज इक्वल है तो वो इंप्लाई करेगा कि अल्फा बीटा के इक्वल है, मतलब यदि इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। यही वन वन का कंसेप्ट है। तो देखिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन एंड बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी टू बिलोंग्स टू डोमेन भी टू, और भी टू आर भी लिख सकते हैं। देन टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ बीटा, इंप्लाइज टी इमेज ऑफ व्हाट इज अल्फा,
ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ व्हाट इज बीटा, देखिए ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी टू. दिस इंप्लाइज, ठीक है. अब यहां देखिए टी का डिफिनेशन, देखिए टी का डिफिनेशन यहां. By definition of T, we can write T image of ordered pair A1 B1 is equal to उलट के ordered pair B1 A1. तो इसका हो गया ordered pair, उलट के लिखिए B1 A1. ठीक इसी प्रकार T image of ordered pair A2 B2 तो हो जाएगा ordered pair, उलट के लिखिए ordered pair B2 A2. ये कैसे लिखे हम? By definition of mapping T. तो यहां लिख देते हैं by definition of mapping T. अब यह इंप्लाई करेगा, देखिए यहां दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है. सेट थ्योरी में आप पढ़ते हैं कि यदि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो वह कब इक्वल होता है? वह तभी इक्वल होगा जब कॉमा के पहले फर्स्ट एलिमेंट b1 और इस पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट b2 है दोनों इक्वल हो और सेकेंड एलिमेंट इसका a1 और इसका a2 दोनों इक्वल हो. तो बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स वी कैन राइट b1 इज इक्वल टू b2, लिखना होगा कॉमा a1 इज इक्वल टू a2. यह हुआ बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स. हां तो अब देखिए इसके बाद इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं ए वन इज इक्वल टू ए टू. पहले ए वन इज इक्वल टू ए टू और कॉमा देखिए बाद में लिख दिया बी वन इज इक्वल टू बी टू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अब ये क्या इंप्लाई करेगा सोचिए, ए वन ए टू के इक्वल है और बी वन बी टू के इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ कि ए वन और बी वन से बना हुआ जो ऑर्डर्ड पेयर है ए वन कॉमा कॉमा देखे बी वन, यह ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है किसके? तो ए टू और बी टू से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी टू. क्यों? तो दो ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होता है तो उसके लिए यही लिखना पड़ता है ए वन ए टू के इक्वल हो और बी वन बी टू को इक्वल हो. तो जब यह है तो यह लिखते हैं, तो जब यह है तो यह लिखेंगे. तो यहां फॉलो हुआ बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, समझ गए. अब देखिए आसान हो गया, हम स्टेप बाय स्टेप डील कर रहे हैं. अब ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन देखिए सामने है, ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन को आपने अल्फा माना था तो ए वेक्टर अल्फा था और ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी टू है इस वेक्टर को हम बीटा सपोज किए थे तो हो गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय आवर असम्पशन. इसलिए फाइनल क्या हुआ? तो फाइनल यही हुआ टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ बीटा इंप्लाइज व्हाट? ये इंप्लाई करता है इसको फाइनली अल्फा इज इक्वल टू बीटा. तो अल्फा और बीटा डोमेन भी टू के दो एलिमेंट थे, हमने क्या किया दोनों एलिमेंट के टी इमेज को इक्वल करके चले और दिखा दिया कि वो दोनों जो एलिमेंट है अल्फा बीटा इक्वल हो, मतलब इमेज इक्वल है तो बताता है कि एलिमेंट भी इक्वल है.
ये कंडीशन है वन वन का। सो टी इज वन वन, प्रूफ हो गया। तो हमको दिखाना था कि टी इज वन वन, देखिए टी इज वन वन सिद्ध हो गया। अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में हमने बताया था कि वन वन के बाद ऑन टू दिखाते हैं। अब हमको शो करना है टी इज ऑन टू, यानी मैपिंग टी क्या है, ऑन टू है, ऑन टू दिखाना है। तो सिर्फ थ्योरी में आपने पढ़ा है कि कोई मैपिंग टी ऑन टू कब होगा, तो उसके लिए रूल है टी का जो कोडोमेन है। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं टी डिफाइन था भी टू आर, आर मैं छोड़ दिया हूं टू भी टू, वेक्टर स्पेस भी टू से भी टू पर डिफाइन टी है। टी को दिखाना है ऑन टू, तो सीखिए सेट थ्योरी में ऑन टू मैपिंग सिद्ध करने के लिए कौन सा ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बता रहा हूं, वो हर जगह काम देगा। टी का यह डोमेन है और यह क्या है कोडोमेन है, यहां दोनों सेम है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि टी को ऑन टू दिखाने के लिए प्रोसेस सीखो, टी का जो कोडोमेन भी टू है उसमें कोई एलिमेंट की कल्पना करते हैं। यदि हम भी टू के अंदर कोई एलिमेंट लें अल्फा डैश, जहां अल्फा डैश क्या है टी के कोडोमेन भी टू का कोई एलिमेंट है, तो आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टी के डोमेन भी टू में एक एलिमेंट मिलना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लीजिए मिलता है अल्फा कोई वेक्टर, सच दैट इस प्रकार की टी इमेज ऑफ अल्फा इक्वल हो जाए इस अल्फा डैश के। आपने क्या समझा, खूब बढ़िया से समझ लीजिए, बहुत काम की चीज बता रहे हैं। कहीं भी किसी मैपिंग टी को ऑन टू दिखाना है तो क्या करेंगे, टी का जो कोडोमेन है भी टू उसमें कोई एलिमेंट अल्फा डैश की कल्पना करें और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप दिखाएं कि टी के डोमेन भी टू में एक एलिमेंट अल्फा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट उस अल्फा का टी इमेज लेने पर ये अल्फा डैश आना चाहिए। यदि ऐसा कोडोमेन भी टू के किसी भी एलिमेंट अल्फा डैश के लिए होता है तो उस हालत में हम कहते हैं कि टी क्या है ऑन टू है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं है इन टू है। तो यहां ध्यान देखें टी को ऑन टू दिखाना है तो क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट का यहां यूज करेंगे। तो हम टी के कोडोमेन भी टू में कोई एलिमेंट अल्फा डैश की कल्पना करें तो यहां लिखा जाए, देखिए मैं स्पष्ट लिख रहा हूं, सीखिए लिखने की कला। फॉर ईच वेक्टर, एकदम क्लियर, फॉर ईच वेक्टर अल्फा डैश इज इक्वल टू, अल्फा डैश किसमें लेना है कोडोमेन भी टू में। तो देखिए टी के कोडोमेन भी टू में, टी के कोडोमेन भी टू में कोई एलिमेंट अल्फा डैश ले रहे हैं, अल्फा डैश क्योंकि भी टू का एलिमेंट है इसलिए हम टी के डिफिनेशन को ध्यान में रखते हुए भी टू में कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया बी वन ए वन, समझ रहे हैं क्यों लिया ऑर्डर्ड पेयर बी वन ए वन अल्फा डैश की जगह, इसका कारण क्या बताया। तो टी के कोडोमेन भी टू में कोई एक एलिमेंट अल्फा डैश लिया इस प्रकार, हम एज्यूम कर लिया कि अल्फा डैश ऑर्डर्ड पेयर बी वन ए वन के बराबर है। क्यों, क्योंकि यदि इसमें हम कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी लेते हैं तो उसका इमेज इसमें ऑर्डर्ड पेयर उल्टा मिलता है बी वन ए वन, इसीलिए इसमें लिए हैं बी वन ए वन, ए वन बी वन नहीं लिए, समझ गए होंगे। तो लिखिए फॉर ईच वेक्टर अल्फा डैश इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी वन ए वन बिलोंग्स टू कोडोमेन भी टू, ये क्या है कोडोमेन भी टू है। एग्जाम्पल में यहां कोडोमेन लिखने की जरूरत नहीं है,
लेकिन समझाने के लिए मैं यहां मुंह से बोल रहा हूं कि कोडोमेन भी टू मतलब ये नहीं समझेंगे, ये समझेंगे। तो कोडोमेन भी टू यानी इसमें कोई एक वेक्टर अल्फा डैश इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी वन ए वन लिया और इस वेक्टर के लिए देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट मैंने प्राप्त होता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग टी के डोमेन भी टू में एक वेक्टर अल्फा प्राप्त होता है, होना चाहिए तो ही लिखा जाता है कि फॉर इच वेक्टर अल्फा डैश बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन भी टू देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा इस टाइप का लेना होगा तभी ना वह भी टू में बिलोंग करेगा डोमेन में। तो देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन सच दैट टी इमेज ऑफ अल्फा, देखिए मैं यहां समझाया हूं, इसमें अल्फा डैश लिया तो उसे कोरस्पॉन्डिंग डोमेन में एक अल्फा मिलना चाहिए जिस अल्फा का टी इमेज ए अल्फा डैश हो जाए, यही कंसेप्ट है। तो ये लिख रहे हैं सच दैट टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ अल्फा की जगह ऑर्डर्ड पेयर, देखिए सामने है ए वन बी वन और टी का डिफिनेशन क्या था, तो टी का डिफिनेशन मैं ऊपर ही लिखा, टी का डिफिनेशन था टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन बराबर ऑर्डर्ड पेयर उल्टा, यही टी का डिफिनेशन था। तो टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन बराबर क्या होगा, देखिए स्पष्ट है ऑर्डर्ड पेयर बी वन ए वन और यहां पर देखिए आपने ऑर्डर पेयर बी वन ए वन को अल्फा डैश सपोज किया है कोडोमेन में, इसलिए ऑर्डर पेयर बी वन ए वन की जगह लिख दीजिए इक्वल टू अल्फा डैश। तो यहां हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं कि टी के कोडोमेन भी टू में यदि कोई एलिमेंट अल्फा डैश लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग टी के डोमेन भी टू में हमें एक वेक्टर अल्फा प्राप्त होता है, देखिए इस प्रकार की इस अल्फा का टी इमेज ये अल्फा डैश देखिए आ गया। तो आप समझ गए, अतः हम कहेंगे कि टी क्या है, एक ऑन टू मैपिंग है। तो ऑन टू का कंसेप्ट लड़के लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं इसको जरा आज डिटेल्स में इसको मैं एक्सप्लेन करके समझा दिया। ये हर जगह ऑन टू दिखाने के लिए आपको ये तरीका हमारा जो है आपको काम करेगा। अब इसी को देखिए शॉर्ट में लिख सकते हैं, दैट इज फॉर इच या फॉर एवरी का ये सेट थ्री में सिंबल है, दैट इज फॉर एवरी वेक्टर, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका सिखा रहे हैं, दैट इज फॉर एवरी वेक्टर अल्फा डैश बिलोंग्स टू कोडोमेन भी टू, यहां बोलेंगे कोडोमेन भी टू देयर एग्जिस्ट प्राप्त होता है ए वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन भी टू, ये कौन है डोमेन भी टू, सच दैट टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, देखिए मिला ना, देखिए यहां लिखे टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आया अल्फा डैश, वही लिखे टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश। तो इसी को मैं शॉर्ट में लिखा, तो जो निचला लाइन है ना यही दिमाग में रखिएगा, इफ फॉर एवरी वेक्टर अल्फा डैश बिलोंग टू कोडोमेन भी टू देयर एग्जिस्ट्स ए वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन भी टू सच दैट टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, देन वी से दैट
टी इज ऑन टू, तो लिख दीजिए सो बाय डिफिनेशन टी इज ऑन टू, मैपिंग टी इज ऑन टू, तो हमने सिद्ध कर दिया कि टी ऑन टू है। अब देखिए, अब दिखाएंगे टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और होमोमॉर्फिक, थर्ड कंडीशन। तो लिखा जाए तीसरा, क्या दिखलाएंगे, टी इज ए एल टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे आप लीनियर मैपिंग या होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो इसको दिखाइए, इसके लिए प्रोसेस है कि मैपिंग टी का जो डोमेन है भी टू, उसमें दो वेक्टर की कल्पना कीजिए, दो एलिमेंट की कल्पना कीजिए। लेट अल्फा इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन एंड बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी टू बिलोंग्स टू डोमेन भी टू या भी टू आर लिखिए। फिर लिखिए इफ ये जो फील्ड आर है इसमें कोई दो स्केलर यानी रियल नंबर ए बी की कल्पना कीजिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू फील्ड आर वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स यू नो, देन वी हैव, तब हम पाते हैं टी इमेज ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू अब आगे बढ़िए टी इमेज ऑफ ए, ए तो स्केलर है, अल्फा वेक्टर है, इसमें ध्यान दीजिएगा ए बी स्केलर है, अल्फा बीटा वेक्टर है, ये माइंड में आपको रहना चाहिए। अब कुछ नहीं, अल्फा और बीटा जो सपोज किए हैं यहां भर दीजिए, तो ए इंटू अल्फा की जगह ऑर्डर्ड पेयर स्पष्ट है ए वन बी वन प्लस स्केलर बी इंटू बीटा की जगह ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी टू, अल्फा बीटा का वैल्यू बैठा दिया। आगे देखिए दिस इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ, सावधानी से आपको लिखना है हर स्टेप को, ए स्केलर है और ए वेक्टर है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर क्या कहता है, उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, तो ए ए वन हो गया कॉमा ए बी वन, प्लस यहां हो गया बी ए टू कॉमा बी बी टू, ये हमने लिखा बाय डिफिनेशन ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, समझ गए, वेक्टर स्पेस जो आप पढ़ते हैं। अब यहां देखिए हर जगह हर लाइन को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, यू आर बाय डिफिनेशन ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। आगे बढ़िए, यहां देखिए प्लस है, एक ऑर्डर पेयर है, अभी एक ऑर्डर पेयर है, तो यहां सोचिए कि दो ऑर्डर्ड पेयर का सम है, एडिशन है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर का एडिशन कैसे लिखते हैं, आपको जानना चाहिए कि दो ऑर्डर्ड पेयर का जो सम है वह एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा,
इसलिए ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए। देखिए तरीका, ए ए वन प्लस टेक्निक देखना है आपको, सीखना है कैसे लिखेंगे। दो ऑर्डर्ड पेयर का सम क्या होगा, तो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखेंगे तो सीखिए, ए ए वन प्लस बी ए टू। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, ए ए वन प्लस बी ए टू, फिर कोमा दीजिए। कोमा क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूं दो ऑर्डर्ड पेयर का सम एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट के बीच कोमा होता है ना, तो दिस प्लस दिस कोमा, फिर दिस प्लस दिस, यही तरीका है लिखने का। तो ए बी वन प्लस बी बी टू लिखा गया बाय डिफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। यदि आपके पास ऐसा होता तो यही लिखते, और ऐसा है तो ये लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते जाइए, अब देखिए यहां समझने की बात आ गई। इसको मन में आप ए वन समझ लें थोड़ी देर के लिए, और इसको आप बी वन समझ लें। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, देखिए मैं यहां समझने के लिए लिख रहा हूं, हो गया टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन। देखिए स्पष्ट है, टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन, और मेरा डिफिनेशन क्या था, डिफिनेशन तो यही था, टी का डिफिनेशन टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन बराबर ऑर्डर्ड पेयर, उलट के लिखते थे बी वन ए वन, इसी तरह से टी को डिफाइन किया गया क्वेश्चन में। तो ये ए वन ए बी वन, टी इमेज ऑफ ए वन बी वन बराबर क्या होता है, ऑर्डर पेयर उलट के लिखेंगे। तो यहां ऑर्डर पेयर बी वन ए वन, मतलब इसको पहले लिखिए इसको बाद में, आप समझ गए होंगे क्लियर, ए बी वन प्लस बी बी टू कोमा ए ए वन प्लस बी ए टू। तो ये किसके अनुसार हुआ, देखिए यहां बाय डिफिनेशन ऑफ टी, आप यहां लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, बाय डिफिनेशन ऑफ मैपिंग टी। अब इसके बाद देखिए, अब इसे देखिए समझिए, इसके बाद कैसे आप लिखेंगे सोचना होगा। बीच में कोमा है तो यह एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, लेकिन इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वह एडिशन के रूप में, यहां भी एडिशन के रूप में, इसलिए यह दो ऑर्डर्ड पेयर का सम होगा, समझ रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूं। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा ए बी वन, देखिए स्पष्ट है ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं तो कोमा दीजिए, ये कोमा, फिर ए ए वन, एक ऑर्डर्ड पेयर आपका ये हो गया, और प्लस से दूसरा ऑर्डर पेयर लिख दीजिए बी बी टू, फिर कोमा दीजिए और बी ए टू, यह हुआ बाय डिफिनेशन ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। तो आप जानते हैं कि दो ऑर्डर पेयर का सम एक ऑर्डर पेयर होता है, क्लियर है, लेकिन ये सम के रूप में था इसलिए अलग अलग हो गया। अब देखिए आगे समझिए हर पॉइंट को, ए स्केलर है, यहां ए स्केलर है मल्टीप्लिकेशन में, ए वन बी वन तो वेक्टर है, तो अब यहां क्या करेंगे, स्केलर ए को बाहर निकाल देंगे, तो हो गया ए इंटू ऑर्डर्ड पेयर बी वन ए वन, बी वन ए वन एक वेक्टर है, आप जानते हैं कि किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह स्केलर ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई तो बाहर हो गया, बस एक कंसेप्ट है। तो यहां स्केलर देखिए बी बी है मल्टीप्लिकेशन में, तो बी बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा ऑर्डर पेयर बी टू ए टू, यह हो गया बाय डिफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू। अब यहां देखिए मैं इशारा कर रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर बी वन ए वन क्या है,
तो टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन है, तो बाय डिफिनेशन ऑफ टी ऑर्डर्ड पेयर बी वन ए वन इज इक्वल टू व्हाट, टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए वन बी वन, यहां से देखिए क्लियर मैं लिख रहा हूं ठीक। इसी प्रकार बी इंटू ऑर्डर्ड पेयर बी टू ए टू, ऑर्डर्ड पेयर बी टू ए टू तो हो जाएगा टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी टू, तो ए हो जाएगा टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी टू। ये कहां से लिखे, बाय डिफिनेशन ऑफ टी, आप यहां लिख सकते हैं बाय डिफिनेशन ऑफ टी समझने के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू, इसके बाद देखिए ए ऑर्डर पेयर ए वन बी वन को आपने अल्फा एज्यूम किया था, इसलिए टी इमेज ऑफ अल्फा हो गया बी इंटू टी इमेज ऑफ, देखिए ऑर्डर पेयर ए टू बी टू को आप बीटा माना था इसलिए टी इमेज ऑफ बीटा हो गया बाय योर असम्पशन। तो आप यहां देखिए टी इमेज ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा लेकर चले थे, तो ए स्केलर ए देखिए बाहर आ गया इंटू टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस बी बाहर आ गया इंटू टी इमेज ऑफ बीटा, यही तो टी के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने का कंडीशन है। सो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां आप लिख सकते हैं हैंस टी इज ए हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमको दिखाना था कि टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने दिखा दिया, तो आप समझ गए होंगे कि हमने तीन कंडीशन शो किया, पहला टी इज वन वन, दूसरा टी इज ऑन टू, और तीसरा टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज ए होमोमॉर्फिज्म, और तीनों कंडीशन यहां सेटिस्फाइड हो गया। सो बाय डिफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म वी कैन से दैट हियर मैपिंग टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस वी टू आर ऑन टू वी टू आर। आप ध्यान देंगे मेरे वर्ड पर, जब होमोमॉर्फिज्म हो तो वी टू इंटू वी टू लिखेंगे, लेकिन यदि आइसोमॉर्फिज्म हो तो वी टू ऑन टू वी टू लिखते हैं, क्योंकि इसमें टी ऑन टू होता है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं दस मैपिंग टी इज वन वन ऑन टू एंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो बाय डिफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। सो बाय डिफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म द मैपिंग टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम, आप लिख सकते हैं फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू आर ऑन टू, देखिए यहां लिखेंगे ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म में इन टू लिखेंगे और आइसोमॉर्फिज्म में ऑन टू, ध्यान देंगे ऑन टू वेक्टर स्पेस वी टू आर, और ये तो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड।
अब आप बताइए हमको कि हमारा यह प्रूफ आपको कैसा लगा। अब मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के बाद एक क्वेश्चन यहां मैं लिखता हूं जो यूपीपीसीएस 2019 में आया है। तो देखिए मैं लिख दिया हूं, यही प्रॉब्लम है, सो दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर थ्री टू आर थ्री डिफाइंड बाय टी इमेज ऑफ थ्री टपल्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू थ्री टपल्स एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ऊपर जो मैं प्रश्न बताया ठीक उसी ढांचे का यह क्वेश्चन है, देखिए लेकिन थोड़ा फर्क है, केयर करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में टी मैपिंग के रूप में केवल था और यहां देखिए यहां टी के विषय में कह रहा है कि यह है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखिए ऊपर के क्वेश्चन में टी एक मैपिंग लिखा हुआ था और इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, मैपिंग टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए ऊपर के क्वेश्चन में टी को आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करने के लिए हमने तीन कंडीशन लिया टी वन वन ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, टी को तीनों होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है फर्क, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, गिवन इन योर क्वेश्चन टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए ऊपर की तरह थर्ड कंडीशन को आप नहीं शो करेंगे इसमें, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए थर्ड कंडीशन को नहीं दिखाना है आपको, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मार्केबल चीज है। इसलिए यहां टी को आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के केवल दो ही कंडीशन आप दिखाएंगे, पहला टी शुड बी वन वन और सेकेंड टी शुड बी ऑन टू, आप समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न को ऊपर के प्रश्न की तरह आप आसानी से हल कर सकते हैं, मैं हिंट भी आपको दे दिया। और यह क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 2019 में आया है और ठीक इसी ढांचे का क्वेश्चन ऊपर में बताया जो वह भी काफी इंपॉर्टेंट था, वह एक प्रोबेबल क्वेश्चन के रूप में नमूने के रूप में मैं आपको दिया था। तो ठीक है मैं समझता हूं कि हमारे सोल्यूशन को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे।